गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज अगले दिन की रात की ये बिरयानी बची थी तो वही गर्म कर रही हूँ इनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए। ये जाने वाले हैं ड्यूटी और उधर से आने के बाद हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए। एक्चुअली हमारा मतलब प्लान नहीं था, 2 दिन के बाद का प्लान था, बट इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी इसी वजह से हम लोग अभी आज की इनकी ड्यूटी करके फिर उधर से आएंगे और फिर दूसरे दिन की छुट्टी है इन्हें तो उस छुट्टी का मज़ा लेंगे। तो इसीलिए हम लोग फिर आज जा रहे हैं, नहीं तो हमारा 2 दिन के बाद का प्लान था। तो चलो कोई बात नहीं, ये छुट्टी लेने गए थे बट इनको छुट्टी मिली ही नहीं तो इसी वजह से ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पर बस इनका ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ और इनके लिए चाय बना दूँगी। ये चले जाएँगे ड्यूटी और उसके बाद हम लोग हमारे काम करेंगे। वैसे आज मुझे 1-2 वीडियो भी शूट करने हैं और उसके बाद मुझे शूट करके वो रखने हैं। और एक्चुअली ना मुझे पता नहीं था यार वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं वो भी शूट नहीं करती। कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए, अगर हिल स्टेशन वगैरह टाइप में हो तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता है यार, और इतना टेंशन आ जाता है फिर कि घूमने के लिए आए हैं बट व्लॉग नहीं जा रहा है तो उसी का टेंशन रहता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो और आप लोगों ने समझ भी लिया, इतने दिनों से आप लोग पूछ रहे थे, थैंक यू सो मच गाइज, इतना आप लोग मिस कर रहे थे। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए कि दी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, हम लोग आपको मिस कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है आपके व्लॉग देखे बिना। तो थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार करने के लिए, इतना मिस करने के लिए। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी बट वहाँ पर थी ना तो क्या कर सकते हैं, नेटवर्क नहीं था तो वही प्रॉब्लम था, क्या कर सकते हैं, व्लॉग नहीं आ रहे थे उसकी वजह से। और वीडियो भी जो शूट करके रखे थे वो भी मैं आपके लिए पब्लिक नहीं कर पा रही थी तो यही प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रह पाई। गाइस क्विकली आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर देती हूँ जो है नाम्या का बॉडी टोनिंग एंड स्कल्पटिंग वंडर ऑयल। इसको यूज कैसे करना है वो सबसे पहले आपको बता देती हूँ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी पे हो, आपने वेट लॉस कर लिया है तो आपको पता होगा कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है तो उसको ही टोन करने के लिए इस ऑयल को यूज किया जाता है। अगर आप इससे मसाज करोगे तो उस लूज स्किन को आप टोन कर पाओगे। अगर आपने वेट लॉस कर लिया है तो आपको पता ही होगा आपकी स्किन लूज हो जाती है और स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं, जहां से भी आप फैट बर्न करोगे आपका फैट लॉस होगा वहां पर आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे और आपकी स्किन लूज हो जाएगी। उसी को टोन करने के लिए आपको ये ऑयल यूज करना है। इस ऑयल से अगर आप मसाज करोगे तो आपकी स्किन भी टोन हो जाएगी और उसके बाद आपके स्ट्रेच मार्क्स भी कम हो जाएंगे। अगर आपके ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स आए हुए हैं और अगर आपने जिम ज्वाइन किया है या आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है तो पहले से ही आप इस ऑयल को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब आपकी स्किन लटकेगी नहीं, आपकी स्किन लूज नहीं होगी और आपके स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आएंगे अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हो तो। अगर आपके फेस की स्किन लटक रही है, आपके रिंकल्स हो रहे हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। आप इसे फेस पर यूज कर सकते हो, आप इसे हिप पर यूज कर सकते हो, आप इसे थाइस पर यूज कर सकते हो, काफ पे यूज कर सकते हो, पूरे बॉडी पर आप इसे यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी आपको लग रहा है कि वहां की स्किन आपकी बहुत ज्यादा लूज है, टाइट नहीं है, तो आप टाइटनिंग के लिए ये वाला ऑयल यूज कर सकते हो। इससे आपको मसाज करनी है और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन टोन अनइवन है, मतलब उस अनइवन स्किन टोन को भी ये इवन करेगा। बहुत सारी लेडीज ऐसी है कि जिनकी प्रेगनेंसी के बाद पेट पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, पेट लटकने लगता है, तो उस पे भी आप इससे मसाज करो, पेट टोन हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स भी कम हो जाएंगे। और आप इसे ब्रेस्ट टोनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसे ब्रेस्ट पर यूज करते हो, मतलब ब्रेस्ट पे मसाज करते हो आपके, तो ब्रेस्ट टोन भी हो जाएगी इससे, मतलब जो आपके लूज ब्रेस्ट है तो वो भी इससे टोन हो जाएगी। जैसे बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं जिनके बच्चों ने फीडिंग करना छोड़ दिया है, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होता है कि ब्रेस्ट लूज हो गया है, तो आप इस ऑयल को ब्रेस्ट टोनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इस तरह से आपको इस बॉटल को ओपन करना है, यहाँ पर इस तरह से कैप दी होती है, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो ना तो आप इसे लेके जा सकते हो, ये ऑयल लीक नहीं होगा, इसके लिए ये कैप दी होती है। बस इस कैप को निकालना है आपको और बस जस्ट थोड़ा सा आपको ऑयल लेना है, थोड़ा सा ही ऑयल आपको लगता है, बहुत दिन तक आपकी ये बॉटल चली जाती है
और बहुत ज्यादा अच्छे से स्प्रेड होता है ये ऑयल और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी, स्मेल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसकी, मतलब खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके और जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बात मुझे इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब चिपचिपा नहीं लगता है। किसी भी ऑयल से अगर आप मसाज करते हो ना तो वो ऑयल चिपचिप करता है, बट ये ऑयल ऐसा है कि चिपचिप बिल्कुल भी नहीं करता है। आपके बॉडी से एक अलग सी बहुत अच्छी सी स्मेल आती है इसको लगाने के बाद। उसके बाद ये आपकी स्किन को टोन करता है। बस जस्ट आपको ऐसे लगा लेना है और ज्यादा देर तक आपको इससे मसाज भी नहीं करनी है, बस इस तरह से आपको मसाज करनी है। जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद आपकी स्किन टोन होने लगती है। तो गाइस एक ऑयल के इतने सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स को हटाता है, उसके बाद आपके स्किन को टोन करता है, उसके बाद अनइवन स्किन टोन को इवन करता है और आपके फैट सेल्स को भी ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि आप अगर फैट पे इसे यूज करते हो ना तो फैट भी बर्न हो जाएंगे आपके। तो बहुत सारे फायदे हैं गाइस, और इस ऑयल में सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये ऑयल बना है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपकी स्किन पे इम्परफेक्शंस है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, उसके बाद आपके मास्क को भी ये कम करेगा, आपकी स्किन पे अगर मार्क्स वगैरह है तो उसको भी ये कम करेगा और आपकी स्किन को टोन करेगा। इसको यूज करने से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी और एंटी एजिंग ऑयल का भी ये काम करेगा। जैसे कि आपकी स्किन लटक रही है तो उसे भी ये टोन करेगा, उसके बाद आपके अगर रिंकल्स आ रहा है तो उसे भी कम करने में ये हेल्प करेगा। तो काफी अच्छा ऑयल है गाइज, मतलब ऑल इन वन ऑयल है, तो इसी वजह से आप इसे यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना तो बनता है। अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। चलो लेट्स गो। ये गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम लोग, घर से निकले हैं फाइनली। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, वो सब कुछ आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा, मतलब वहां पर पहुंचने के बाद आपको पता चल ही जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग जाने के लिए। हवा में उड़ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा ने ब्रेक मारा तो वो हवा में उड़ रहा था। और अद्विक कैसा लग रहा है? और आपके बाल सीधे करो, पहले सबसे पहले बाल सीधे करो। आपके हमेशा बाल सीधे करना पड़ता है मुझे। अच्छा लग रहा है ना माही? मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है, पूरा मौसम मौसम का एंजॉय ले रही हूं। मौसम बढ़िया है यार, सारे टेंशन से छुट्टी, वीडियो से छुट्टी, इनकी ड्यूटी से छुट्टी, इसका टेंशन लेके आइए साथ में। ग्रीन वाला झाड़ देखने के बाद अच्छा लग रहा है। चलो अद्वैक एक्साइटमेंट में बोल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो। और हाँ, मैंने आज ये वाला ड्रेस पहना है जो आपने उस दिन देखा था। कहाँ, कब? नहीं घर पे नहीं ना रे, कॉन्टेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था वो वाला ड्रेस पहना है। तो गाइस रोड दिखा दिया मैंने, अब लोग गेस कर लो अभी कहाँ जा रहे हैं। जो अमरावती से है उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ पर ना पेड़ा फेमस है यहाँ का, तो पेड़ा लेने गया है ये। बाल भी करने के लिए मैंने, बाल
बाल भी कर गए, बाल तो बिखर ही गए मेरे भी। क्योंकि हम लोगों ने ना एसी नहीं लगाई है, बाहर का मजा ले रहा है इसका हवा का। मतलब इस मौसम में बाहर निकलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कैसी लग रही हूँ आज? आप तो, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं चपटू चपटू रहता हूँ। हाँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे आपके बाल। पेड़ा लेके आ रहे, डाइट वाइट सब गई, सब कुछ दो दिन में गया, दो दिन में गया अभी। बाहर आते तो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, मतलब हर टाइम डाइट डाइट डाइट। दो ये पेड़ है, यहाँ के बहुत ज्यादा फेमस पेड़ है ये, और हमारे सबके पूर्णा नगर में फेमस पेड़ है। हाँ, पूर्णा नगर वाला। मैंने आके पेड़ कभी भी नहीं खाए। झूठ बोलना है तो इतना भी झूठ मत बोलवा। यहाँ के ही है वो, पापा जो पेड़ लाते हैं वो यहाँ के ही है। कल लाया था, दो दिन पहले ही तो लाए थे पापा ने पेड़, और यहाँ के पेड़ कभी। अच्छा, यही पेड़ है वो, दिखाती हूँ आपको कैसे पेड़ है ये, ब्राउन कलर के होते हैं। वाओ, बहुत ज्यादा टेस्टी वाले पेड़ है। इसके ऊपर बॉल भी है, बॉल। हाँ, ये लो दीदी को दो ये। बाल देखो कितने उड़ रहे हैं। ये लो दीदी को दो ना। मैंने लिया। लिया क्या? लिया, आपने अभी तो दिया। बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ के पेड़, ये हमेशा इस साइड में ड्यूटी के लिए जाते हैं ना तो लेके आते हैं, हमेशा पेड़ लेके आते हैं। प्योर होते हैं ना। उड़ गया था, बंद कर देती हूँ अभी। दो दिन मैंने बोला डाइट वाइट सब बंद। चलो और जा, सिर्फ एंजॉय चलता है उतना। हाँ, चल जाएगा, कर लूंगी वेट लॉस दोबारा से, क्योंकि हम लोग अभी ये वेट गेन के पीछे लगे और मैं वेट लॉस के पीछे लगी हुई। वैसे मगर वेट गेन जल्दी होता और कम भी वेट जल्दी होता। इतना टेंशन नहीं है, मैं अगर पीछे लग जाऊँ ना जल्दी मेरा वेट लॉस होगा। देखना, एक महीने में, एक महीने में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी पेड़ा खा के नहीं, दो दिन के बाद स्टार्ट करूंगी। शूट करने का मन कर रहा है, कितनी ज्यादा ग्रीनरी दिखा दी मैंने आपको, और विंडो भी क्लोज करने का मन नहीं कर रहा है। ये लो वही पेड़े खाओ पीछे। गाड़ी में कर रही है उमर, बच्चों को वैसे ही होता है, कहीं एंजॉय नहीं कर सकते अच्छे से। हाँ, आपको कौन सा इतनी ज्यादा पढ़ाई है? अच्छा है, आपको मजाक कर रहा था वो। पेट्रोल डलवा लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर बाद में पता चले कि पेट्रोल ही नहीं है घर में, गाड़ी में है ना। पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल नहीं आया तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं आया तो वो धीरे-धीरे चलती है।
धीरे धीरे चलती है वरना स्पीड में चलती है गाड़ी। हाँ, पेट्रोल डाला तो बहुत स्पीड में चलती है। हाँ, नहीं डाला तो थोड़ा सा स्पीड में चलती है। हाँ, नहीं डाला तो चलती नहीं है। यहाँ पर गाइस परतवाड़ा आ गए हम लोग, और परतवाड़ा से कौन कौन देख रहा है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। अभी मैं दिखाती हूँ बाहर का नजारा आपको। याद है आप लोगों ने बोला था कि दी आप परतवाड़ा नहीं आते हो क्या, परतवाड़ा से कि जाते नहीं हो क्या परतवाड़ा होके? तो गाइस जा रहे हैं हम लोग परतवाड़ा होके तो आपके गांव में आए हैं। पानी पूरी खानी है ना? हाँ। माही क्या खाना है आप? मुझे मेरी मीठी वाली। मीठी वाली मुझे भी मीठी वाली। इसे बना के दे दो मीठी वाली दोनों को भी, और मुझे वैसा दो तीखा वाला पानी। कैसी है मैं? बहुत टेस्टी है। अद्वी? बहुत अच्छा है। सॉस नाम के लिए। ओ यार जबरदस्त। बहुत ही बढ़िया मौसम है यहाँ पे, देखो मौसम का नजारा। बहुत जबरदस्त लग रहा है। यहाँ पर हम लोग अभी थोड़े से फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। चलो अद्विक, अद्विक ने शर्ट क्यों निकाल दी? अद्विक मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, जबरदस्त मौसम है यार। अरे अब यहाँ पे खड़े रहिए, ऐसे पुलिस खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े रहिए, आप भी बैठे रहो। उनको तो ये येड्डू को कितना डर रहा है, ये तो यहाँ खड़े रहिए। पंची जी जाती है लिस्टियो वो लोग आए जा रहे थे। हां हो जाते ना ओले फिर। हां ओले जाते ना, क्या कपडे तो लाए ना व्हायचं का ओलो? तिकडून येताना व्हायचं उद्या? उद्या व्हायचं का तिकडून येताना? हां उद्या व्हायचं तिकडून येताना म्हणजे। हां मुठा पण आहे, मुठा पण आहे त्यांच्या। गेम आहे
बच्चे खेलने भी लग गए यहाँ पे। ओ बदक को बोला था, बदक भैया मैं उसकी खुशी के लिए बैठ जाओ। हाँ अरे वाह 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 मजा आ रहा है अद्विक। हाँ करो मतलब हल्का हल्का आप उड़ाओगी और बारी बारी अंदर में छोटा 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 मोटा सामान ले लो मैं जा रही चलो वैसे नहीं आगे रूम बहुत अच्छे हैं। रूम्स अच्छे है मतलब कॉटेज टाइप में है बट इधर के मिलने चाहिए थे। हम लोगों ने प्री बुकिंग की होती तो इधर के मिलते बट ये बुक है पूरे वहाँ का हमें मिला है। वो जो आपको दिख रहा है वो मिला है हमें बट अभी अद्विक को बहुत खुशी हुई अद्विक। अरे यार ये होते ना तो अद्विक को और भी ज्यादा खुशी होती मतलब ये वाले हाँ सामने देख सकते हैं हम अद्विक क्या कर देखो लेकिन अद्विक अभी यहाँ पर ही खेलना चाहता है पता नहीं। अद्विक को बोला अद्विक नहीं रेस्ट करके जाते खेलने के लिए नहीं अद्विक को अभी जाना है बोल रहा। देखेंगे अब वहाँ पर पहले सामान रख देते अपना। अच्छी लग रही हो सामान रख देते हाँ जाएंगे ना पहले ये सामान रख देते बाद में। अरे पहले पहले सामान रखने के लिए हेल्प करो दीदी को। लो पकड़ो ये लेके चलो चलो हाँ दीदी को सामान रखने के लिए हेल्प करो बाद में जाएंगे। ये इनके फ्रेंड्स है जो हमें ये वाला रिजॉर्ट दिखाने के लिए लाए थे। हाँ ये जो दो फ्रेंड्स है इनके इन्होंने ही रूम बुक कर दिए हमारे। हाँ बाद में अद्विक। अरे पता है क्या हम लोग सामान रखेंगे और फिर यहाँ पर ही खेलने आ जाएंगे। ठंडी लग रही है मुझे अद्विक हवा चल रही है। मिल गई हमें रूम वाओ सुंदर वार्डरोब में रखना भी चालू कर दिया इसने। सुंदर रूम है और नजारा देखो बाहर का बहुत ज्यादा अच्छा नजारा। हाँ पूरा नजारा लेकिन उधर की मिल जाती ना तो और भी ज्यादा अच्छा रहता लेकिन ये थोड़ी सी नीचे की मिल गई है। ये रूम इस तरह से है यहाँ पर टेबल भी है खाना वगैरह खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर गैलरी टाइप में है जैसे ये देखो यहाँ पर हम लोग बैठ भी सकते हैं नजारा देख सकते उधर का मिल जाता है यार। ठीक ठाक है बट पैसे तो उतने ही लिए ना उन्होंने जाने दो क्या कर सकते। वो बुक थे यार वो जो दिख रहे हैं ना आपको वो बुक थे। हाँ नजारा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से। अभी देखो ये सिंगल चेयर सिंगल चेयर क्यों दी है नहीं वहाँ से चेयर लेके आ सकते हैं यहाँ पर टेबल वगैरह लगा सकते हैं हम लोग बैठ सकते हैं आराम से। बट यहाँ का नजारा देखो ना कितना गंदा है। नजारा नहीं है ना देखो लेकिन रूम अच्छी है। पहली वाली तो अलग से लग रहा था कुछ भी ऐसे दिख भी नहीं रहता इससे बाहर। हाँ अच्छा ये पता नहीं ऑन करने के लिए रिमोट नहीं रहता गायब रहता है। चलो माही देखो अभी से ब्रेकफास्ट का भी सोच रही है। अरे मेनू दिया हुआ पूरा ऑयली हो गया फिर सर यार लेकिन इतना मजा आ रहा है यहाँ पे मतलब ठंडा गार मौसम और जबरदस्त मौसम का मजा बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। हिल स्टेशन का यही मजा होता है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे लगा देना। हाँ लेकिन सुबह आना चाहिए था हम लोगों ने फालतू में मतलब ये किया क्योंकि इनकी ड्यूटी थी ना तो इसी वजह से अभी 7 बज गए 7 बज गए और सुबह चेकआउट भी करना है 10 बजे क्योंकि इनकी कल भी ड्यूटी है तो इसी वजह से नहीं जा पाते यार। और अभी आया है तो चलो एंजॉय कर दे आज ही जितना एंजॉय करना है कल घूम लेंगे
मतलब यहाँ से चेकआउट करेंगे, घूम लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे उधर घर। यहाँ पर वॉशरूम है, फुल टूर मैं आपको कल दूंगी रूम का। अभी हम लोग बनाने वाले हैं कॉफी। स्टार्ट हो गई, हाँ बारिश बाहर स्टार्ट हो गई क्या बारिश? चलो कॉफी बनाते हैं अभी। गाइज उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, तो वो प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम हुआ था क्या नहीं, तो इसी वजह से कुछ भी शूट नहीं करना हुआ। और गाइज आप लोगों को तो मैंने बताया ही नहीं हम लोग कहाँ आए, तो हम लोग आए हैं चिखलदारा। चिखलदारा एक हिल स्टेशन है हमारे सिटी के पास, मतलब जैसे कि 2-3 घंटे का रास्ता है, 2-2.5-3 घंटे का, 3 घंटे का रास्ता है शायद, तो यहाँ पर आया है और बस एक दिन रुकेंगे उसके बाद जाएंगे। यहाँ पर जो एंजॉय करेंगे, यहाँ पर जो भी किया हम लोगों ने वो कल के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो आप कल का व्लॉग, तो कल का व्लॉग मिस मत करना। तो चले गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इसके अलावा 2 और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।